श्रृंखला में दूसरे लीडर हैं, इनको सुन लेते हैं। इन्हीं के बारे में मैं बता रहा था आपको, तो इन्हीं की जुबानी जानते हैं बिना देरी किए। तो जोरदार तालियां एक बार चरण सिंह जी को मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। जोरदार तालियां चरण सिंह। साथियों नमस्कार, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान की टीम बैठी हुई है। साथियों नमस्कार। साथियों, आपके सामने ये खड़ा हुआ बंदा आज से दो तीन साल पहले और क्या काम करता था वो जानना चाहते हैं? साथियों, इस पट्टे का हकदार मैं नहीं हूं, इस पट्टे का हकदार मेरे संग जिसकी साथ हमारे परी थी मेरी मैडम बैठी हुई है, वो हकदार है। जोरदार सबसे ज्यादा ताली होनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले धन्यवाद देता हूं उस परम पिता परमेश्वर को कि उसने मेरे को मानस जोनी में जन्म दिया। क्यों कि इस जोंज में नहीं होता तो मैं यहां नहीं होता, और ये इसके लिए मैं भी नहीं होता। कहीं ना कहीं पहले की तरह थे, 22 साल की तरह थे, और ये कहीं ढकेल पे सामान बेच रहा होता। बहुत सारे लोग प्रूफ है, आपके सामने खड़ा हुआ बंदा 22 साल ढकेल लगाई है। जिस जगह का नाम भी बता देता हूं मैं, महोली रोड पुरानी रात का सूट कितने लोगों ने देखी है, नए बस स्टैंड के पास। साथियों थैंक यू। साथियों, उसी जगह मैंने 8 साल ढकेल लगाई है। यहां सबसे पहले मथुरा के लोग हैं मेरी टीम में आए हुए हैं, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और प्रूफ करके दिखा दें कि यहां जो मथुरा के हैं सबसे ज्यादा खड़े हो जाओ भाई चरण सिंह। थैंक यू। साथियों, आप समझ लेना, मैंने तो ये टॉपिक हकदार मैं नहीं हूं, आप सब लोग हो, और मैंने तो अनपढ़ आदमी हूं। पहली बात एजुकेशन की अगर बात करते हैं भाई साहब, मैंने स्कूल नहीं देखा है। 1982 में मेरी माँ खत्म हो गई है, और जिस दिन मेरी शूटिंग हो गई ना, जैसे 12,000 लोग बैठे होंगे, वो अगर आंसुनते अपने आप ना रोवे ना, तो फिर भगवान ही मालिक है। साथियों, और मैं जो गुरुजी ने बोला था घोड़े वाली पट्टे की बात, मुझे नहीं मालूम है कब बरसा है, कब दिन निकल आओ, कब रात निकल आई। जिसका फोन आ जाए बगैर बताए हुए कहीं भी सही चल देता हूं। और इस बिजनेस से पहले मुझे बाइक चलाना नहीं आती थी, मेरी मैडम मेरा बेटा प्रूफ है। मैं नहीं जानता था जिस व्यक्ति ने 22 साल रिक्शा चलाया हो वो तो बाइक बहुत डर लगता था, और जिस काम को डर लगता है वही कर लो ना तो वो काम बिल्कुल आसान हो जाता है। क्या बात है, थैंक यू। पहले मेरे को डर लगता था क्या मोटरसाइकिल कैसे लोग चलाते हैं, मैंने साइकिल चलाई। साइकिल चलाने के बाद में तीसरी बाइक से मैं काम करता हूं। और साथियों, अभी तो ये पर्ल बना है 500 से, गुरुजी बता रहे हैं डेट में, देखे मैं जानता नहीं हूं। बड़ो मोबाइल ले लिया है बॉम्बे, अब तो अपने आप डीडी भेजो सीख जाता हूं। जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। थैंक यू। और साथियों, रहने वाला नाम तो भूल गया मैं, मेरा नाम चरण सिंह है और मैं रहने वाला कासगंज का हूं। आज से 8 साल पहले कन्हैया की नगरी में मैंने कदम रखा था, और उसी स्टेशन पर जिस दिन आया था मेरा बट्टा खो गया था। बड़ा वाला बच्चा तैयार है, वो खो गया था, और खोने के बाद में कमरा लिया, अचानक यहाँ आया हूं मैं तो। और करने के बाद में धन्यवाद देता हूं सबसे पहले तो मेरे ऐसे मेंटर के लिए, पीयू जी के लिए, अनिल सर के लिए, और बनारस का रहने वाला रघुपाल के लिए सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए। साथियों थैंक यू। साथियों, इन लोगों ने मेरे पीछे 6 महीना पीछे चक्कर काटे, असली राज्य बता रहा हूं मैं आज आपको। ऐसे शख्स ना होते तो आज भी मैं ये चरण से ढकेल लगा के केला बेच रहा होता, फेरी लगा के और रोड पे, ये प्रूफ है। थैंक यू। साथियों, केवल अभी तो छोटवा बड़वा एबीसीडी सीखा है नकल करके, चूंकि रात भी मैंने ज्वाइनिंग कराई है तो मैंने तो लाली बीए पढ़ी हुई थी, उसको सहारा लाओ, मैंने की बताइए बेटा कहां का दिखाता बानू है, चूंकि मैं नहीं जानता कछु अभी,
और कछु न जान तो तब ये पट्टा ले लिया, और जिस दिन सीख जाऊंगा ना तो घर में घुस घस कर गया। और साथियों जब कुछ ना सीखने से कारण एक चीज है, इस सक्सेस का राज, मेरी सफलता का राज कुछ नहीं है। मैं तो पहले भी मंडी में जाके पूछ सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर केला कावा बेचने का साझा को ये पता है कि जे केला बेच के जय रुपया मिल जाता है। और ऐसे ही मैंने गुरुजी से बोला था मिलकी मैं काम करूं और 7 दिन बाद मेहता बुझे मालम बचा के 1000 रुपया मिल गए, मैं करवे को तैयार हूं साला, कठिनाई कितनी भी आ जाए पर वही तो नहीं हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं भरतपुर टीम को, मेरी यहां भरतपुर की टीम भी बैठी हुई है, कहां है खड़े हो जाए अपनी टीम जगह पे ही। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन पता नहीं था कि मेरी टीम कभी भरतपुर में जाके भी बनेगी, और आज आपके सामने प्रूफ है देख लो, मैं किसी को नहीं जानता था और आज मेरे संग 550 लोग काम करते हैं। क्या बात है। और थैंक यू। और साथियों एक ही बात है, 2022 चल रही है और टारगेट की है तो मुझे नहीं मालूम था, मेरी आईडी वहां पर है और आया ये टारगेट पूरा करके जाऊंगा गुरुजी। और एक लेफ्ट और एक राइट से मेरे संग जो बंदा काम करेगा उसके लिए टारगेट जरूर करवाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और साथियों मेरी गोल्ड की जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुई थी, मेरे साला बैठा था तो वो बीए पास है, बीए मुझे नहीं मालूम है 14 साल पढ़ाई होती है 12 साल, अब बच्चा पढ़ रहा है तो अब मुझे मालूम है कि हाँ पढ़ाई होती है। जब 1 साल पढ़ने के बाद में एक पद चेंज होता है और जहां जुड़ने के साथ ही कहा चाहिए चेक की, कह रहे चेक कहाँ है, अरे चेक तो तेरे नाती उठा के लाएगा, पहले काम तो कर ला चेक के लिए, काम तो करके देखो। थैंक यू। क्यों कि मैंने एक अनपढ़ आदमी की आलू बेचने बारे की वीडियो में सुना था कि उसमें बोला था कि जब ढका अंडे का ढकेल लगाता था मैं तो आगे वो करता था और ऐसे ही मैं तो ढकेल में लगाता था मूंगफली की, तो बाकी और बात मेरी समझ में आ गई। मेरे को एक्चुअली एक बता दूं कि ज्यादा पढ़े लिखेगा ये काम भी नहीं है। क्यों कि एक बात बताना, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मार्केट में जाके सामान नहीं खरीदा है, और जहां कह देता है आदमी थे कि एक बार ले ले और ये काम है, काम की मत कहियो, अगर काम ही कह दे तो नानी मत जाई। क्योंकि अपने भैया के पास गया और मेरे भी भाई ने, हाँ एक बात और भूल गया, थैंक यू गुरु जी एक मिनट। साथियों इस बिजनेस का सक्सेस का राज बता रहा हूं मैं आपको कि आज जहां जहां है नहीं, मेरे भाई ने चचेरे ने और बुला लिया था मैं कासगंज में धोखो देखे। देखो आजकल ये ना ये जहां लचते हैं आदि मानता भी है, अगर जे ही अपने आप को दूसरे आदमी को मारते हैं, उसने ऐलान दिया था अकेला ही हूं और अब तो खैर 5 बच्चा आए और साथियों इसलिए बात आ गई है, अगर मेरे अपलाइन एनालिस्टर ना होते उस दिन इस बिजनेस में नहीं होता, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता, ये प्रूफ है। अपने आदमियों थे भैया होशियार रहना, सामने खड़ा हुआ व्यक्ति हो मेरी मैडम थे बाल बच्चेदार है किसम धर के पूछ लेना, और मोटरसाइकिल छीन लई नो कह दी काऊ ने कह दी कि तू अगर अकेला बढ़ गया ना तो हमारी 3 दिन की नाक कट जाएगी। अरे मैंने कही अगर मेरा साला शरीर ऊपर वाला चाहता है ना तो तू का तेरा परिवार रोक ले फिर भी साला डायमंड बनने दे। क्या बात है। और थैंक यू। उस दिन के बाद में मैंने किसी से किस्म ना खाई थी, अपने आप से किस्म खाई थी। जो मेरा चचेरा बहनोई था उसका तो मोट हक गया है, आज वो दुनिया में नहीं है
उसके घर हाथ 7 दिन बाद पैसा जाता है, ये भी देख लेना। और लोग कहते हैं कि पैसा नहीं आता है, मेरा बहनो यतर सिंह है अलीगढ़ के पास का, वो खत्म हो गया एक्सीडेंट में और उसके घर 7 दिन बाद पैसा जाता है। अरे इससे बढ़िया और हो भी क्या सकती है काम। साथियों ये किसी और के लिए काम नहीं है। अगर जिस आदमी को अपने आप को प्रूव करने का है ना, तो उसके लिए है कि जिसकी हमारी पड़ गई ना, और मैं रहूं या ना रहूं, और उस मेरे रहने के बाद में किसी पे अगर हाथ तोड़ना पसारे ना, ये काम उस शख्स के लिए है जो अपनी मैडम से प्यार करता है। बहुत बढ़िया, ग्रेट। और आज आप कम से कम 250-300 तो हो गई होगे लोग, उनके सामने ये कमिटमेंट लेता हूं, साला संजा तक खाना ना मिले। और मेरे संग जो लोग काम कर रहे हैं ना, एक एक चुन चुन के घर में घुस घुस करके डायमंड बनाना है, सबको एक लगाते हैं। बस वो एक काम कर ले, लिस्ट बना ले, आए तो वेलकम और नहीं भीड़ कम। क्योंकि मैंने सुना है इस दुनिया में 135 करोड़ की आबादी है क्या नहीं है? यस। सिर्फ केवल बस पन्ना पलट ले, क्योंकि स्कूल में 12 पढ़ने के लिए, वहां भी तो सुबह 9 बजे जाना, स्कूल के बाद में शाम को आना, साला कोई 12 तक पास होने से रोक नहीं सकता है मैया का लाल। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये इसमें यही है, आए तो ठीक और नहीं कोई बात नहीं। अच्छा एक बात और बता रहा हूं मैं, सबसे बढ़िया बात। हाँ बताओ। क्योंकि माना है क्या, गुरु की बात नहीं मानी तो इस दुनिया में ना तो अपना भाई है और ना अपना कोई है, सारे करते हैं मना। और एक ही चीज होता है, जो अपना अपलायन होता है उसके गार्डन, उसकी अगर छत्र छाया है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको डायमंड बनने से। थैंक यू। केवल एक ही काम किया, किताब खोल के एक गाना गाना है जान 4 से 5 साल। कौन सा? जनकपुरी नई दिल्ली। ये प्रोडक्ट है और अब तो आ गए 500 प्रोडक्ट, अब तो बहुत आए। अरे पहले कछु ना आओ, पहले जय सूट है देख लो, जय सूट। लोग कहते हैं कपड़ा अमीर ना बनता है, मैं कहता हूँ देखो शोरूम खोल के बैठे, उन्हें पूछा अमीर बनता है कि नहीं बनता है इसी को बेच बेच के। yes. साला मुझे पता था कि केला चीनी पापड़ मूंगफली बेचने थे अमीर नहीं बनेंगे। मेरे गुरुजी ने बोली थी इसे खरीद लो और इनको 5 साल बेच लो, और इनके बाद में आने वाली पीढ़ी कभी बेचेगी नहीं, अमीरों में गिनती आ जाएगी। क्या बात है। तो गुरुजी धन्यवाद देता हूँ, आपने जो कहा था वो सच करके दिखा दिया। आप सब लोग इसको गवाह हो, इसका जो गवाह हो यही है मेरे, ये देख लो। आज इस चीज का सफल है मेरे सामने कि एक दिन वो भाई था मेरा जिस दिन कासगंज में मेरे को मारने के लिए भंगी लगाते थे। अरे जिस दिन मेरा आएगा ना जहां, जहां ने बुला के लगा दिया ना, तो सारा अपने पाप की औलाद नहीं, उस महावीर की पैसा होते पैदा नहीं हो, मेरे बात जहां खड़क गई है वो जीता। आज आज ये भी भाई है जो अपने आप को नहीं देखता है, मेरे एक एक पल मेरी खबर रखता है, और आज इस चीज को प्रूफ है। अब एक कासगंज में आज से 4 दिन पहले मेरी बात वही थी, उसकी उसमें तो एक बच्चा है अभी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, हमने कहा है। थैंक यू। उसमें तो एक बेटा है और मुंह पे है 2, और 3 बेटी 5 बच्चा है। साला उस दिन से 1 साल में अपने घर नहीं गया, उसी डर के मारे कि वो ही भाई है, वो तो 3 है और मेरे बड़े 5 है। आंधी क्या गेला लखूरे की क्या चली, फट से मरवा देंगे कहूंगे ले जाके, उसी डर के मारे मैं नहीं भाग गया। और आज
मेरी भाभी बोल रही थी कि तुम पैदे जो पैसे ले लिया इसीलिए तुम नहीं आ रहे हो गांव में। मैंने कि जिस दिन आऊंगा, जिस दिन रिटायर हो जाऊंगा, जिसकी हमारे पर गई है वो किसी और पे हाथ नहीं पसा रही, भले तुम मेरे मत दियो कहूँ ले जाके। बहुत बढ़िया दमदार। इसलिए गाँव में नहीं जाता हूँ मैं, और कोई ज्वाइनिंग नहीं है, और फिर भी इतनी टीम बन गई। और अभी तो छोटवा बड़वा सीखो है, सब जानते हो आदमी कहाँ से बोल रहा है। और 2022 चल रही है गुरुजी, ये कमिटमेंट है क्या 2022 में एमरल के कितने टीम पे होते हैं एमरल? 2500। 2500 लोगों का अगर 2022 का अंत तारीख का खत्म नहीं होगा। और जो लोग कुछ करना चाहते हैं और मेरी टीम बैठी हुई है तैयार है, जाए भैया बोलते हैं वो कमर खस के। और भैया मैं तो आया हूँ पागल आदमी, क्योंकि पागल ही इतिहास लिखत हुआ को। आज अगर मोदी चाय बारो पागल ना होता तो दुनिया भाई कब जामे ना होती, ये समझ में आ गया जी। और एक ही काम करना है बस, किताब और फोल्डर, कोई खुद सामान को यूज करना, पूरा सामान यूज करता हूं मैं, फोल्ड बिल्कुल एकदम कमिटमेंट के साथ में। ठीक है, थैंक यू गुरुजी, हाथ लगा के रखना। और मैं सौगंध के आगे कह रहा हूं, हाँ जी देखा चरण सिंह जी को, इनको तो दो बात समझ में आ गई, केला उठाऊंगा संजय तक बेचूंगा तो इतना कमाऊंगो, या हफ्ता जितना बेच दूंगा बाकी उतना कमीशन मिल जाएगा। बात सही है या नहीं है? एक तो अपने धंधे से ये रिलेट कर लिया, दूसरा इन्होंने क्या बोला, बोले केले की ढकेल पे सब नहीं खरीदते, कोई रेट पूछ के चला जाता है, कोई कमी निकाल के चला जाता है। बात सही है या नहीं है? जब मैं तब ढकेल बंद नहीं करता तो साला यहाँ पे भी सारे नहीं पूछेंगे। और उसका एक तोड़ निकाल लिया इन्होंने, आए तो वेलकम और नहीं तो भीड़ कम। बात सही है या नहीं है? और आज 550 से ज्यादा की टीम बना दी, और टाइगर ने कमिटमेंट में पूछा एमरल्ड कितने पे होते हैं जी बताओ नंबर, हेलो नंबर बताओ नंबर। एमरल्ड बन जाएंगे, 5 गुना नेटवर्क को इसी 2022 में करके दिखाएंगे। क्या बात है, जोरदार तालियां चरण सिंह जी के लिए, शानदार। अभी आपने पर्ल यानी मोती